ए और भी दो संख्याएँ है जिसका मध्य अनुपात छः है और अनुपात अड़तालीस है तो ए और बी का मान कितना किससे करेंगे हम ऑप्शन से भाई ये क्वेश्चन हम ऑप्शन से निपटाएंगे मैं ऑप्शन कन्वेंशनल मेथड बता चुका हूँ करने का अभी पिछले क्वेश्चन में ही बताया ऑप्शन से कर दूंगा देखो एक बात बताओ ये तीन और बारह जो है ये ए और बी के तो मान है इनका मध्य अनुपात कितना है छ है अब तीन और बारह इनका मध्य अनुपात कितना है भाई छ है छः है तो छः का स्क्वायर छत्तीस इन दोनों के गुणनफल के बराबर होना चाहिए भारतीय या छत्तीस यानी ये ऑप्शन हो सकता ऐसे ही यहाँ भी तीन और छः देखना जरा तीन और छः की गुणा कितनी आ गई छह तीया अट्ठारह और मध्य अनुपात का मतलब क्या है भाई छत्तीस भाई छः अगर ये है तो छत्तीस होना चाहिए ठीक है इन दोनों की गुणा छत्तीस के बराबर होने चाहिए है क्या यानी ये ऑप्शन नहीं हो सकता इन दोनों की गुणा छत्तीस के बराबर होने होने चाहिए ये ऑप्शन हो सकता इन दोनों की गुणा छत्तीस के बराबर होने चाहिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता यानी भाई पहली कंडीशन से हमारा ऑप्शन नंबर ए भी हो सकता है और ऑप्शन नंबर सी भी हो सकता है अब हमें ए और सी में से एक छाटने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें करना पड़ेगा तृतीय अनुपाति अड़तालीस से ये चेक करना पड़ेगा देखना ए ऑप्शन में देखना सबसे पहले ए ऑप्शन में है तीन और बारह इसका तृतीय अनुपाति कितना है मेरे भाई इसका तृतीय अनुपाति मैं रख देता हूँ अड़तालीस क्या तृत्य अनुपाति अड़तालीस है मैं देख लेता हूँ इसका स्क्वायर कितना हुआ एक इन दोनों के गुणा के बराबर होना चाहिए है क्या भाई 48 और 3 के गुणा करेंगे तीन चौक बारह तीन अट्ठे चौबीस एक सौ चौवालीस ही आएगी गुणा इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा क्या है ठीक है ठीक है पहली कंडीशन से भी दूसरी कंडीशन से भी ऑप्शन डी गलत है ठीक है हमारा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी भी खत्म हो गया